गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस का सॉल्व करने वाले हैं, जो सेट नंबर ए है। ठीक है, जो 2018 और 19 में पेपर हुआ था उसी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चंस है और इस जीएस के ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया था? पंकज अडवाणी को, विराट कोहली को, मैरी कॉम को, पीवी सिंधु को। तो किसको दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। किसको दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। खेल रत्न अवार्ड 2018 का विराट कोहली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लवण जल झील कौन सी है? लोनार झील, वेम्बानाड झील। वेम्बानाड भी लवणी है, जिसे केरल में पाई जाती है, इसे कयाल कहते हैं। वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती, लोनार राजस्थान में पाई जाती, लेकिन सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो चिल्का झील है, वो उड़ीसा में पाई जाती। कहाँ? उड़ीसा में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बायलिंगुअल है। ठीक है, वेयर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो पूछा है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में। कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। उसके आगे अगला क्वेश्चन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन थी? इस समय 2020 की बात करोगे तो कौन थे 2020 में? कौन है 2020 में? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है। और उस समय की जब बात किया था तो उस समय कौन थे? उस समय कौन थे? उस समय आपके थे उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। लेकिन हमको इस समय वर्तमान के याद रखना है, कौन? शक्तिकांत दास को। उससे उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराज राजन थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया हिल्सा फिश है या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है कि घड़ियाल है कि गैंगेटिक डॉल्फिन है? तो पूछा है भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? हिल्सा फिश है, लवण जल मगरमच्छ है, घड़ियाल है कि गैंगेटिक डॉल्फिन है? तो कौन सी है? गंगेटिक डॉल्फिन से। तो ऑप्शन नंबर है मेरा क्या है? डी हमारा सही आंसर है, गंगेटिक डॉल्फिन है। जो गंगा नदी में पाई जाती डॉल्फिन, उसे गंगेटिक डॉल्फिन, उसे जलचर या जल प्राणी घोषित किया गया है। ठीक है, जलीय प्राणी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हु इंट्रोड्यूस द रुपीज एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी इन इंडिया? किसने? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने। भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी, शाहजहां ने की थी, अकबर ने की थी या शेरशाह ने की थी? तो किसने की थी? भारत में जो शेरशाह ने सबसे पहले, शेरशाह सूरी ने ही रुपये को चालू किया था। कौन से? रुपये को जारी किया था। करेंसी जो उसकी थी वो रुपये नाम से जारी की थी। अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम वॉज अनाउंस टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन्स? अटल पेंशन योजना, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, पीएम जनधन योजना, नन ऑफ द एबो। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ने किस योजना की घोषणा की थी? तो किस योजना की घोषणा की थी? अटल पेंशन योजना? नहीं। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी स्टार्ट की थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनादर नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूम की खेती होती है, कैसी होती है? स्थानांतरण कहती है। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती, ऐसी कृषि जो होती है वो कहाँ पर होती है? पूछा है गार्निशिंग, कहलुआ, झूम और टेरेस फार्मिंग। तो हिंदी में है, निम्न में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या होता है? गार्निशिंग होती है,
कहलुआ होती है, झूम होती है, सोपान कृषि होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? झूम की खेती जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। क्या होती रहती है? कल्टीवेशन, स्थानांतरण कृषि भी इसे कहते हैं, झूम की खेती को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ पियर्स कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, मोतियों का शहर किसे कहा गया है? कोलकाता को कहा गया है, हैदराबाद को, जयपुर को, चंडीगढ़ को। तो मोतियों का शहर किसे कहा गया है? वो कहा गया है हैदराबाद को कहा गया है। किसे कहा गया? हैदराबाद को कहा गया है, मोतियों का शहर कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, तो कुव्वत उल इस्लाम है, चार मीनार है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है। तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम, चार मीनार, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। तो सबसे बड़ी भारत में कौन सी है? जामा मस्जिद है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीपीटी स्टैंड, ट्रिपल पी स्टैंड फॉर, मतलब ट्रिपल पी स्टैंड फॉर का फुल फॉर्म पूछा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता, परचेस प्राइस पावर होता, कि पैन पोस्टल पेमेंट होता, कि प्राइमरी पब्लिक पार्टनर होता। तो ट्रिपल पी का अर्थ होता है क्या होता है, हिंदी में देख लेते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परचेस प्राइस पावर, पैन पोस्टल पेमेंट और प्राइमरी पब्लिक पार्टनर। तो कौन सा होता है? तो इसका कौन सा होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल एंड कैटल फेयर्स इन द वर्ल्ड। तो कौन सा है? पुष्कर है, डेजर्ट है, सूरज कुंड है, नन ऑफ द एमोन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला लगता है? तो कहाँ पे लगता है? तो पुष्कर में लगता है, मरुस्थल में लगता है, सूरज कुंड में लगता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ लगता है? ये लगता है पुष्कर मेला, जो राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? ये राजस्थान में लगता है, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला। रिसेंटली निपाह वायरस इफेक्टेड द स्टेट ऑफ, तो महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, मणिपुर। तो हाल ही में से कौन सा राज्य निपाह वायरस से प्रभावित हुआ था वो जानते हो? उस समय 2018 में कौन सा प्रभावित हुआ था? उस समय प्रभावित हुआ था केरल। तो केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस भी आया था। कहाँ आया था? केरल में ही सबसे पहले कोरोना वायरस भी आया था, एक व्यक्ति को हुआ था। विन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? नवंबर 11, दिसंबर 3, 16 जुलाई, 9 अप्रैल। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, कि 3 दिसंबर को, कि 16 जुलाई को, कि 9 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, विच इंडियन आल्सो नोन एज विश्व कवि वॉन द नोबल प्राइज इन 1913। तो 1913 में कौन से, किसे नोबल पुरस्कार मिला था, जिन्हें विश्व कवि कहा जाता है? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सत्येंद्र नाथ बोस। तो किस भारतीय ने 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता था, जिन्हें विश्व कवि कहा जाता है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्हें ही साहित्य का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, द क्रिटिकली इंगेज्ड इनडेंजर्ड क्या है? द क्रिटिकली इनडेंजर्ड घड़ियाल इज फाउंड इन, तो चंबल में पाया जाता, चिल्का में, सतलज में, कि ब्रह्मपुत्रा में। संकटापन्न की स्थिति से गुजरता घड़ियाल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? चंबल में पाया जाता है, चिल्का झील में, कि सतलज नदी में, कि ब्रह्मपुत्र में? तो चंबल नदी में पाया जाता है घड़ियाल, वो संकटापन्न है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया इंडिजीनियस नेगिवेशन सिस्टम्स? नेबिक, ग्लोनास, इंडिया जीपीएस, तो भारत का जो वो है उसे क्या कहा जाता है? नौ परिवहन प्रणाली का नाम जो होता है उसे, जो नेविगेशन सिस्टम है उसे नाभिक कहा जाता है। जबकि जीपीएस जो अमेरिका का होता है, ग्लोनॉज किसका होता है ये पता नहीं किसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम वॉज द इंट्रोड्यूस्ड टू डील विद द ब्लैक मनी?
तो इंद्रधनुष है, पीएम गरीब कल्याण योजना है, पीएम जनधन योजना है, नन आपदा इमो, तो कौन सी है जो काले धन से निपटने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की है गरीबों के लिए, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, व्हाट इज द अली बाबा ग्रुप? अली बाबा ग्रुप जो है हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन कैंग्लोमीटर है कि चाइनीज ए कॉमर्स कंपनी है कि ए सीक्रेट केव है? तो ये कौन सी है? अलीबाबा जो है ये चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है, जो चाइनीज अलीबाबा जो है चाइनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विच टीम वॉन द 2017 रणजी ट्रॉफी? 2017 रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? मुंबई ने कि दिल्ली ने, विदर्भ ने कि नन ऑफ दीज? तो किसने जीता था? रणजी ट्रॉफी जो जीता था वो विदर्भ ने 2017 में जीती थी। इस बार भी किसने जीता है? इस बार भी विदर्भ ने ही जीता है 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो 2019 का हुआ था 20 का नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फसल ऋतु नहीं होती? खरीफ, बैसाख, रबी, जायद। तो देखो रबी भी होती, जायद भी होती, खरीफ भी होती, लेकिन बैसाख कोई भी नहीं होती है। बैसाख जो नहीं होती, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नन ऑफ द। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है? इसमें से हमारी रेड क्रॉस जो है ये नहीं है, बाकी सभी हैं। हु अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इस समय एसए बोबडे हैं। कौन से? एसए बोबडे हैं। इस समय एसए बोबडे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय का पूछा गया था, इस समय का भी पूछा जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये से वो उपदे हैं इस समय, ये ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, तो कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, इस समय इनका वेतन कितना होता है? 280 होता है। कितना होता है? 280 होता है, जबकि अन्य सदस्य जो होते हैं 2.5, 2.5 लाख पर मंथ होता है। ठीक है, इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, बीच इज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया? कौन था? सिक्किम था, नागालैंड था, गुजरात, गोवा। संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य उस समय कौन था? पहला राज्य उस समय सिक्किम था। कौन था? सिक्किम है। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया जो फर्स्ट फुली था वो सिक्किम है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय बुद्धा? तो कौन सी बोलते थे? प्राकृत बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, अपभ्रंश बोलते थे, या ननाब्दी? तो वो बुद्ध भगवान, वो प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। जबकि जैन लोग क्या बोलते थे? वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी? पाली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। अगला है, नेम ऑफ द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? नॉर्मन बोरलॉग, सतीश धवन, एम एस स्वामीनाथन, सी एन आर राव। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। जबकि विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये तो उड़ीसा में पाया जाता। कहाँ पे? उड़ीसा में, सीएसआर। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं, संवैधानिक निकाय कौन है? इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल विलेज कमीशन, विलीजेंस कमीशन जो जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्त आयोग। तो कौन सी इसमें पूछा है? कौन से इसमें संवैधानिक निकाय नहीं? चुनाव आयोग होता, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं वो भी है, वित्त आयोग की भी संविधान में बात की गई है, वित्त आयोग की भी बात की गई है 280 के तहत। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग 324 के तहत की गई है बात। ठीक है, भाग 15 के तहत, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका संवैधानिक निकाय नहीं है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्राम, कौन सा एक प्रोग्राम नहीं भारत में चलाया गया है। तो पूछा है निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल्स, कौन सा मैमल्स नहीं है। ठीक है, कौन सा मैमल्स नहीं है, तो मैमल्स मतलब कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं, हाथी, बाघ, सांप, बिल्ली, तो कौन सा नहीं है। हमारा सांप जो होता है वो क्या होता है, वो स्तनधारी नहीं होता है। ठीक है, स्तनधारी नहीं होता है, वो रेप्टाइल्स होता है। उसके बाद अगला है हु रोट्स अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था। कालिदास ने लिखा था। किसने, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। शूद्रक ने मृतकच्छकटम लिखा था, क्या लिखा था, मृतकच्छकटम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, जैसे प्रवाह नदी से संबंधित है, क्या है, प्रवाह जो है नदी से संबंधित है, तो स्थिर जल किस में होता, झरने में होता कि बताओ कहाँ होता है, झरने में होता, वर्षा में होता, पुल में होता, नहर में होता। प्रवाह जो होता है वो नदी में होता है, तो स्थिर जल जो होता है वो कहाँ होता है, स्थिर जल जो होता है वो कहाँ होता है, वो पुल, जैसे पुल बनाया जाता है बांध, तो वहाँ पे स्थिर जल होता है, बांध बनाया जाता। निम्नलिखित में से कौन से राजधानी राज्य की राजधानी नहीं है, तो इसमें पूछा था कौन से राज्य की राजधानी नहीं है। भोपाल, शिमला, कोची, गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक, हिमाचल प्रदेश शिमला, मध्य प्रदेश भोपाल, लेकिन केरल की क्या होती, तिरुवंतपुरम होती, कोची नहीं होती, यही वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद पूरा है दीन ए इलाही वाजदा प्रोपाउंडेड बाई, तो किसके द्वारा, दीन ए इलाही, अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अशोक के द्वारा। तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी, कब, दीन ए इलाही की अकबर ने की थी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड, कहाँ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, तो कहाँ स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, 6 ईयर्स होता है, 4 ईयर्स होता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता, 5 वर्ष होता, 6 वर्ष होता या 4 वर्ष होता। तो 45 का बी वाला कितना होता, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो होता 5 वर्ष होता है, कितना होता, 5 वर्ष होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर जैन गुरुज ऑफ टीचर्स कॉल्ड, उन्हें क्या कहा गया था, अंबगास कहा गया था, आजीविकास कहा गया था, तीर्थंकर कहा गया था और अलवार्स कहा गया था। तो जैन जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था, जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता था। जैसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, प्रथम वाले जो देखोगे वो कौन थे, ऋषभ देव थे, जबकि 23वें देखोगे तो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो अंतिम थे वो महावीर स्वामी थे, कौन थे, महावीर स्वामी थे। हु वाज द अवार्डेड द 2018 सियोल्स पीस प्राइज, किसे मिला था, एंजेला मार्केल को, श्री नरेंद्र मोदी को, बराक ओबामा को, नाना, तो किसे मिला था, नरेंद्र मोदी को मिला हुआ था। ठीक है, किसने दिया था, दक्षिण कोरिया ने दिया था। नेम द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया, पीपल्स आर्म पुलिस इंडिया, पाकिस्तान रेंजर्स पाकिस्तान, फॉरटेक्स EU। विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है, विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, BSF कहते हैं, क्या कहते हैं, BSF कहते हैं, उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, वो सबसे बड़ा है भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, कौन सा है, चीता है, ओलिव रिडले टर्टल है, कि डुगोंग है, कि फ्लाइंग स्क्वायरल है, कौन सा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा भारत में कौन सी क्षेत्रीय प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन सी विलुप्त हो चुकी है। तो
इसमें कौन सी होती कि चीता जो है वो विलुप्त हो चुकी है, चीता। वेयर इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर? शंघाई चाइना, लंदन यूके, मनीला फिलीपींस, टोक्यो जापान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। जबकि ब्रिक्स बैंक का पूछेगा तो वो शंघाई चीन में है। कहाँ है? शंघाई चीन में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट मैनेड मिशंस? मैन मिशंस कौन थे? मंगलयान था, चंद्रयान था, गगनयान था, हैबिटेट द्वितीय थी। भारत का प्रथम मानव रहित मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? कौन सा था? मंगलयान था, चंद्रयान था, गगनयान, हैबिटेट द्वितीय। तो गगनयान था। कौन था? गगनयान था। भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन था? गगनयान था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विच सिटी वॉज द डिजाइंड बाई ली कॉर्जी, जो ली कॉर्जुवियर जो था, कार्बुजर, ली कॉर्बुजर जो था, न्यू दिल्ली की, चंडीगढ़ की, कोच्चि की, कोलकाता की। तो वो किसकी डिजाइन किया था? ली कॉर्जुवियर जो था वो किसकी? चंडीगढ़ की। किसकी? चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ममता बनर्जी। तो वंदे मातरम जानते ही हो आप लोग, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है, ब्लड मून इज एसोसिएटेड विद? लिटरेचर, लुनार इलिस्पी, ब्लड ग्रुप, नन ऑफ द एमो। लाल चांद या ब्लड मून का संबंध है किससे? साहित्य से, चंद्र ग्रहण से, रक्त समूह से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? चंद्र ग्रहण से संबंधित है। हु इज द नोन एज ए चिराग ए दिल्ली? क्या? चिराग ए दिल्ली। बाबर ने, निजामुद्दीन औलिया ने, शेख नसरुद्दीन महमूद ने, कि शाहजहां ने। तो चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली के नाम से शेख नासिरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। 57 का सी, शेख नासिरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इस समय कौन है? इस समय ओम कौन है? ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा के जो हैं वो ओम बिरला है। उस समय ये पूछा गया था, तो इस समय का ये ध्यान रखना। उस समय कौन थी? उस समय सुमित्रा महाजन थी। इस समय ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? मिस्टर फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा जय सिंह, नन ऑफ द। तो कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द एसेंशियल टू पेन? जो अचानक जो दर्द होता है वो दर्द होता है, वो कट से होता, बर्न से होता है, न्यूसेंस से होता, हर्ट से होता। दर्द के लिए क्या जिम्मेदार होती है? कटना, जलना, उपद्रव मचाना, चोट लगना। तो कौन सा जिम्मेदार होता है? कौन सा जिम्मेदार होता है? तो कौन सा जिम्मेदार होता है? चोट लगना। चोट लगना जब पेन कब होता है? जब हर चोट लगती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में। ये हमारा फर्स्ट पेपर एक कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आपको।